बड़ी खबर से सीधे जोड़ देते हैं, झारखंड लिए चलते हैं, जहां पर महत्वपूर्ण बैठक एनडीए की इस वक्त होती हुई, सीटों की संख्या क्या होगी इसके लिए ये मीटिंग बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और झारखंड विधानसभा चुनाव के आप प्रभारी हुए हैं और ठीक उसके बगल में असम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंता जी और झारखंड विधानसभा इस चुनाव के सह प्रभारी हैं। बाकी आप मेरे से ठीक रहेंगे और आप देख रहे होंगे श्री सुदेश महतो जी आजसू पार्टी के अध्यक्ष हैं और फिर उसके ठीक और दाहिनी ओर श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी रेवड़ी से सांसद हैं और ठीक उसके दाहिनी ओर रामचंद्र साईं जी आजसू पार्टी के हैं और आप सब लोग उनसे भी परिचित हैं और आज आप देख रहे होंगे कि हम सब लोग संयुक्त प्रेस नहीं कर रहे हम सब लोग आप सब से तो मैं सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं भारत सरकार के कृषि मंत्री और झारखंड इस चुनाव के प्रभारी श्री शिवराज सिंह जी से कि आप प्रेस को संबोधित करें। श्री शिवराज सिंह चौहान जी मित्रों भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार और एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिल होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी बेटी रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए, इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड के ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, सुदेश जी उनकी टीम यहां बैठी है, भारतीय जनता पार्टी आजसू जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा, आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है, सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे, चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत करकर ही हम चैन की सांस लेंगे। गठबंधन के बारे में
बाकी डिटेल के लिए मैं अपने साथी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी से आग्रह करूंगा। मंच में विराजमान सम्मानीय नेतागण, मैं बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाना चाहूंगा, लेकिन हमारे आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आप लोगों को बताया कि ये चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एज ए एनडीए लड़ना चाहूंगा। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आशु पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। सीट का सरसा सल रहा है, आगे भी कुछ सरसा सलेगा, ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ समय का परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं, लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूँ वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूँ। पहले हम आशु को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशु लड़ने जा रहा है जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आशु लड़ेगा, रामगढ़ आशु लड़ेगा, गोमिया आशु लड़ेगा, ईसागढ़ आशु लड़ेगा, मंडू आशु लड़ेगा, जुगसलाई आशु लड़ेगा, डुमरी आशु लड़ेगा, पाकुड़ आशु लड़ेगा, लोहरदगा आशु लड़ेगा, मनोहरपुर आशु लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा सरसा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आशु लड़ेगा, और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशु अपना उम्मीदवार यही 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा, ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा, और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े थोड़ा मेरा हिंदी अच्छा है तो मैं आप लोगों को पहले वो आसाम की टोन भी है वो। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा, और बाकी सीट में एक दो सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आशु 10, और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं उस सरसा में एक दो इधर उधर हो सकता है, पर मूल होगा यही पिक्सर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुरेश जी दोनों को यह चुनाव का नेतृत्व लेना है, और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को निमंत्रण करता हूँ कि चुनाव का बारे में सुरेश जी और बाबूलाल जी आप लोग का सामने बोलें। अब
बड़का का बीजेपी लड़ेगा। मैं सुरेश जी से आग्रह करता हूँ कि आप देश को संबोधित करें। धन्यवाद। आज हमारे एनडीए के संयुक्त बैठक में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय असम के मुख्यमंत्री जी का जो हमारे प्रभारी भी है, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कमला पांडे जी का, हमारे सहयोगी सांसद गिरिडीह और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सही जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी का, सारे मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे राज्य की कांग्रेस भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है, और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहां पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी इस कांसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे, और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है, और हम लोग मिलकर ही इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया, और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है ये भी उन्होंने बताया है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिलकर करेंगे। बेसिकली है कि राज्य की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी है। धन्यवाद। बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबके बीच में बता ही दिया है सब कुछ, आ गया तो विषय बचा हुआ नहीं। मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो जीता, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो मां बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, मां बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहां बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक जगह पर घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा उन्होंने 5 लाख नौकरी देने के लिए बात की थी, और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिवो सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे नौकरी नहीं मिलेगी 5 लाख तो हम संन्यास देंगे, और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी।
जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया था। उनका बीए पास 5,000, एमए पास 7,000 रुपया भत्ता देंगे, लेकिन एक भी लोगों को नहीं दिया। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा की जा चुकी है और न्यूज 18 की खबर पर एक तरीके से मोहर लगती हुई, जिसमें हमने सीटों की संख्या भी आपको बताई थी कि 68 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 10 सीटें आसू के पास जा रही हैं, जेडीयू के पास 2 सीटें और एलजेपीआरवी के पास 1 सीट। झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दिवाकर, हमने जो संख्या बताई थी